मतलब पूरी दुनिया में कंपैरेटिवली स्टडीज़ और रिलीजन्स के हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक का अपना एक नाम है और पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है। कैसा लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के नाम आपके नाम के साथ लगा हुआ है? जाहिर है आप एक नसीब है, आप उनके बेटे हैं। कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह ऑनर होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और ऑनर के साथ इट्स अ गुड फीलिंग एज वेल, और उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्या एक अब्बा का अल्हम्दुलिल्लाह जो दीनी काम कर रहे, तो वो लेगेसी कंटिन्यू करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो क्या इट इज़ स्टॉप्ड और वो रुक जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ गुड फीलिंग, और एट द सेम टाइम इंकरेजमेंट भी होता है। क्या डायरेक्टली अब्बा से डायरेक्टली बात कर रहे हैं। डायरेक्ट और घर में कभी डिबेट हो जाती है कि भाई ये है, ये है, आपने वालिद साहब के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे दिया, वालिद साहब ने कहा नहीं ये है, ऐसी कोई डिबेट हो जाती है? कभी कभार डिबेट्स होते रहती है, क्योंकि बचपन से हम लोग को स्कूल में भी इनकरेज किया गया है कि डिबेट करना, तो घर पे भी होते रहती है कभी कभार अच्छा, डिस्कशंस और डिबेट्स। किस काफ़ी टॉपिक्स पे अक्सर बात होती है वालिद साहब से, फादर से? नॉर्मली नॉर्मली इस्लामिक टॉपिक्स के अंदर, इस्लामिक टॉपिक्स के अंदर ही। जी, तो वो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि हम लोग को स्कूल से डिबेटिंग का काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया गया है। क्योंकि डिबेट में ऑलवेज ये याद रखना चाहिए कि अगर एक बंदा, उसके पास नॉलेज है लेकिन अगर उसको डिबेटिंग स्किल्स पता नहीं है तो फिर वो हार सकता है डिबेट में। तो ऑलवेज जो नॉलेजेबल बंदा है वो लाजम नहीं कि वो जीतेगा डिबेट में, क्योंकि डिबेटिंग स्किल्स, वो बंदे के पॉइंट लेके उसको अग्री करके उसको कैसा डिसप्रूव करना चाहिए कि तुमने बात बोले, अगर फर्जन या डिबेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अग्री किया तो उसको अग्री करके उसको कैसा डिसप्रूव करना चाहिए। तो ये